तो भाई साहब स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में, और स्वागत है आप सभी को कृष्ण नगरी द्वारका में। तो अभी हमारी ट्रेन पहुंची है, अभी टाइम हो रहा है 7:50, मतलब अभी हमारी ट्रेन लगभग 50 मिनट लेट आई है। यहाँ पे इसका टाइम था आने का 7 बजे, लेकिन 7:50 तक आई है। तो ये स्टेशन है, तो ये है स्टेशन के बाहर का नज़ारा, आपको दिखाता हूँ स्टेशन कैसा दिखता है बाहर से। छोटा सा स्टेशन है लेकिन साफ सुथरा है और काफ़ी खूबसूरत है, आप देख लो। ले लिए टेम्पू, मतलब ऑटो ले लिए मंदिर जाने के लिए। तो जैसे आप बाहर निकलेगा बहुत सारा टोटो लगा रहेगा। तो मैं ऑटो पकड़ के आ गया हूँ यहाँ मोड़ पे, और आपको ऑटो वाला यहीं पे उतारेगा। इसके बाद आप सीधे मंदिर को जा पाएंगे। आप यहाँ पे क्रांतिवीर का एक स्टेचू छोटा सा बना हुआ है। रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी जो है मात्र 2.5 से 3 किलोमीटर पड़ता है, और ऑटो वाला आपसे 20 रुपये चार्ज करेगा। ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन 20 रुपये लेता है, तो कोई बात नहीं। और आपको यहीं पे पीछे उतारेगा। इस वाले के लिए से आया था मैं अभी, और आपको सामने टेंपल दिख रहा होगा, यही है द्वारकाधीश का टेंपल। इसके जाने के लिए आपको रास्ता इस तरह से आना पड़ेगा, यहाँ से आइएगा आप सीधे, और इधर से रास्ता है, और यहीं पे बना हुआ है सामान रखने के लिए, जो भी आपको बैग है और मोबाइल वगैरह जो भी है अंदर ले जाया नहीं जाता है तो यहाँ पर आप रख सकते हो, और साथ में आप अपना जूता जो है यहीं पर रख सकते हो। तो जब आप इस गली से आओगे तो आपको ये गेट मिलेगा, लेकिन यहाँ से आपको एंट्री नहीं होगा, यहाँ पे नो एंट्री है, यहाँ से लोग निकलते हैं, एंट्री आपको होगी आगे वाले गेट से। तो हाँ मैं आपको ले चलता हूँ, बस्ट बगल में है वो गेट, और आपको इस तरफ बहुत सारे दुकानें मिल जाएगी प्रसाद के लिए या फिर चढ़ावे के लिए, जो भी होता है मूर्ति वगैरह जो भी बिकता है आपको उस तरफ मिल जाएंगे। हाय, तो एंट्री आपको इस वाले गेट से होगी, लेकिन 9 बजे अभी तो टाइम हो रहा है, अभी 8:24 हो रहा है। तो जब आप उस वाले गेट से अंदर जाओगे आपको लाइन में यहाँ तक आना पड़ेगा, यहाँ पे आपको चेकिंग होगी पूरा शरीर का, और पूरा जो कुछ ले जा रहे हो तो आप मोबाइल वगैरह जो भी बैग है वहाँ पर रख सकते हो, जहाँ पर मैं आपको बताया हूँ, और सामने मंदिर देख रहे हो आप। बहुत ऊंचा है, इसकी हाइट लगभग 156 फीट बताते हैं। तो मैं हर एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको बाहर से, क्योंकि अंदर से तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे। तो जितना हो सके मैं आपको बाहर से दिखा दे रहा हूँ। तो यह है स्टेशन वाला रास्ता, और यह द्वारकाधीश जाने के रास्ता मंदिर के लिए, और यहाँ पे है बैग रखने के लिए, और जस्ट सामने है सुदामा सेतु जाने का रास्ता। तो चलिए चलते हैं अभी सुदामा सेतु की तरफ, शायद उसमें फी भी लगता है, जाकर पता करते हैं। तो यही सुदामा सेतु, और यहाँ पे उसका काउंटर है, इसका फी लगता है 10 रुपया, लेकिन अभी तो बंद है, कुछ महीनों से बंद है, मतलब 4-5 महीने से बंद है अभी है। और यही रास्ता है जिससे हम आए हैं, ये वाला, और जस्ट बगल में है सुदामा सेतु। तो सुदामा सेतु तो है लेकिन बंद है, क्या करें। और ये है गोमती रिवर,
जो देख रहे हो आप, पूरा सूखा पड़ी है अभी। नहीं तो अगर पानी होता तो फिर जो छोटा छोटा बोट है उससे आप जा सकते हो, नहीं तो फिर कैमल होता है उससे भी जा सकते हो। इसमें लगता है आपको 100 रुपया, उसमें लगता है 50 रुपया कैमल में। लेकिन अभी तो दोनों बंद है क्योंकि पानी नहीं है, तो फिर इसमें चलेगा क्या। तो देख रहे हो आप, कुछ जो लोग हैं वो पैदल ही जा रहे हैं, तो क्या करें, चलते हैं पैदल। तो जब आपको मंदिर दिख रहा है वो द्वारकाधीश का टेम्पल है और ये सुदामा सेतु। लेकिन दिक्कत की बात है कि चालू नहीं है, तो मैं अपना व्यवस्था कर लिया हूँ और देखता हूँ कि आज मैं पानी से बच पाता हूँ कि नहीं। या अरे भाई साहब सही में फिसलन है। थैंक्स ब्रो। तो लोग जो हैं इस रास्ते से आ जा रहे हैं, तो मैं देखता हूँ यहाँ से मैं चल पाऊँगा या नहीं। ये देखो पूरी जी बोट है ऐसे ही खड़ी है। तो मैं एकदम आराम से पार हो गया हूँ, देख लो आप। तो द्वारकाधीश टेम्पल है और सुदामा जो ब्रिज है, ये जो दोनों आपको दिख रहा है, इसके जस्ट सामने में आपको ये पंच को मिलेगा जिससे कहते हैं कि पांडवों ने बनाया था। तो चलिए चल के देखते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इसमें जो पानी है वो मीठा होता है। इसमें लिखा है पंचनद तीर्थ और इसमें इस सब जो है ऋषियों का नाम है और इस सब जो देख रहे हो आप नदियों का नाम है। श्री महर्षि ऋषि गोमती नदी ऐसे ऐसे 5 लिखा हुआ है। तो इसमें भी देख सकते हो आप लिखा है पंचनद तीर्थ जाम्बुवती तीर्थ। और इसको मैं दिखाता हूँ, इसमें भी थोड़ा सा पानी है। इसमें लिखा है कुसावती तीर्थ, आप ध्यान से पढ़ो लिखा हुआ है। इसमें भी थोड़ा सा पानी है, ऐसा नहीं कि सूखा हुआ है, पानी है इसमें। लक्ष्मण तीर्थ पंचनद तीर्थ तो ऊपर सब लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा पानी है। तो लेवल सबका जो है एकदम सेम है। एक यहाँ पे हो गया, ये आपको दिखाए जो 2, 3, 4 और एक वहाँ पे 5। तो इसके पीछे क्या हिस्ट्री क्या है बाबा? हिस्ट्री इसका है, पांचों पांडव 5 कुंड बनाए थे। अच्छा, 5 ऋषि को प्रकट किए थे। अच्छा, 5 ऋषि तपस्या करके 5 नदी का आह्वान किया। अच्छा, मरीची ऋषि, अंगिरा ऋषि, अत्री ऋषि, पुलह ऋषि, क्रतु ऋषि। हाँ, इसमें लिखा हुआ भी आप देखेंगे नाम लिखा हुआ है और ऋषियों का नाम लिखा, जो ऋषि जो नदी को बुलाया है उसका नाम। तो मैं देखता हूँ पीकर पानी सच में मीठा लगता है कि नहीं। तो ये बाबा हैं यहाँ पर रहते हैं, तो आप जब भी कोई आइएगा यहाँ पे तो इनसे पानी पी लीजिएगा। ज़्यादा चार्ज नहीं करते हैं, 20 रुपये लेते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये आपको हिस्ट्री भी बता देंगे और जो पानी है वो भी आपको पिला देंगे। सच में यार मीठा है वे, एक बिल्कुल भी खारा नहीं है, क्योंकि इसके चारों तरफ जो देख रहे हो पूरा समुद्र है और यहीं पे जो कुआ बना हुआ है इसका पानी मीठा है। इसका पानी कभी सूखता नहीं है, कभी नहीं भाई साहब। चल रहा है ना, यहाँ लोग पानी जो पीते हैं इसी नदी पीते हैं, इसी किसी कुआ का। हाँ, जिसको जानकारी है जो ये पांच तीर्थ का, हाँ हाँ वो पीते हैं। और यहाँ जो मंदिर है आप लोग पीते होंगे, हमारी लास्ट। तो पी लिया हूँ, सच में मीठा लग रहा है। अभी मैं वहाँ से आया हूँ जो आपको दिखाया था पंचकुआ, और वहाँ पे जो देख रहे हो आप उसे बोलते हैं समुद्र नारायण मंदिर। तो चलिए देखते हैं चल के वहाँ पर भी। तो पहले यहाँ से पार होते हैं उसके बाद चलते हैं वहाँ पे। मैं आपको दिखाया ही था।
तो इधर मोती और जो सब पत्थर होता है मिलता रहता है, तो अगर आपको लेना है तो ले सकते हो। तो रहा सुदामा ब्रिज और मैं आ चुका हूँ श्री संगम नारायण जी का मंदिर, जो मैं वहाँ से दिखाया था, और बिल्कुल समुद्र के किनारे बसा हुआ है, बिल्कुल पास में है। और इसमें लिखा हुआ है राम नाम का तैरता हुआ पत्थर। तो चलिए अगर वीडियो अगर अलाउ रहेगा तो मैं को दिखाता हूँ अंदर जाके। तो ये नारायण मंदिर है, इसके अंदर कैमरा अलाउ नहीं था तो मैं आपको अंदर के दिखा नहीं पाया, लेकिन बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, एकदम समुद्र के किनारे ही बसा हुआ है, एकदम पास में ही है। और यहाँ पे बैठने के लिए बना हुआ है जो बहुत ही अच्छा है। और सामने जो आपको दिख रहा है वो है लाइट हाउस, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हो। और ऐसा ही वहाँ भी मॉल है समुद्र किनारे, वो भी है और ये भी समुद्र किनारे है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, और अगली वीडियो में आपको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, रुक्मणी मंदिर, गोपी तालाब, बेट द्वारका उस समय दिखाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।